सीधे लेके चलते हैं चंपारण में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान सतपाल मलिक जी, यहां के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, सुश्री उमा भारती जी, राधामोहन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री एसएस अहलुवालिया जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, राज्य मंत्रिमंडल से श्री सवन कुमार जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्री प्रमोद कुमार जी और यहां उपस्थित हजारों सत्याग्रही और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथी देवियों और सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो यहां आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 वर्ष पहले का इतिहास आज फिर साक्षात हमारे सामने मौजूद है। एक प्रकार से मेरे सामने वो स्वच्छाग्रही बैठे हैं जिनके भीतर गांधी के विचार का, गांधी के आचार का, गांधी के आदर्श का अंश जीवित है। मैं ऐसे सभी स्वच्छाग्रहियों के भीतर विराजमान महात्मा गांधी के उस अंश को शत शत प्रणाम करता हूं। चंपारण की इस पवित्र भूमि पर जन आंदोलन की ऐसी ही तस्वीर 100 वर्ष पहले दुनिया ने देखी थी और आज एक बार फिर दुनिया इस दृश्य को देख करके पूज्य बापू का पुण्य स्मरण पुनः एक बार कर रही है। 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देश भर से लोग आए थे, गांधी जी के नेतृत्व में गली गली जाकर काम किया था। 100 वर्ष बाद आज उसी भावना पर चलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों के आए लोगों ने यहां के उत्साही नौजवानों स्वच्छाग्रहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम किया है। आज इस विशाल समूह में कोई कस्तूरबा है, कोई राजकुमार शुक्ल है, कोई गोरख प्रसाद है, कोई शेख गुलाब है, लोमराज सिंह है, हरिवंश सहाय है, शीतल राय है, पीर मोहम्मद मुनीस है, कोई डॉक्टर राजेंद्र बाबू है, कोई धरणीधर बाबू है, कोई रामनवमी बाबू है, जेबी कृपलानी जी है। 100 वर्ष पहले जिस तरह सत्याग्रह ने ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को नई दिशा दे दी, वैसे ही आज का ये स्वच्छाग्रह आप जैसे देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। चलो चंपारण, इस नारे के साथ हजारों स्वच्छाग्रही देश के कोने कोने से आकर के आज यहां पर जुटे हैं। आपके इस उत्साह, इस उमंग, इस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी आतुरता को
बिहार के लोगों की अभिलाषा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर आने से पहले मैंने स्वच्छता पर एक प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी में नई टेक्निक, नए उद्यमों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मैं चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे थे उनके समापन का भी ये समय है, लेकिन समापन से ज्यादा ये शुरुआत है स्वच्छता के प्रति हमारे आग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की। भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्ष में भारत की 3 बहुत बड़ी कसौटियों के समय यही बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया था। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो इसी धरती के नायक बाबू जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया था। मुझे बहुत गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की ये यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रस्थापित किया है, दिखाया है। मुझे पता है कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में बिहार की स्थिति को देखने के बाद उसके बावजूद भी ये मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहा है। इसके पीछे एक वजह है। नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है उसने सभी का हौसला बुलंद कर दिया है। साथियों, देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से भी कम था, लेकिन मुझे आज हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी ने बताया कि एक हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। ये गति और प्रगति कम नहीं है, ये आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार बहुत ही जल्द स्वच्छता का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत की बराबर करने में सफल हो जाएगा। मैं बिहार के लोगों को, प्रत्येक स्वच्छाग्रही को और राज्य सरकार को इस भगीरथ प्रयास के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस नेतृत्व के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ देर पहले
मुझे कुछ स्वच्छाग्रही साथियों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला है। मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और ये भी देखा इस काम में बढ़ चढ़ करके जिन्होंने काम किया है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। स्वच्छता का महत्व क्या है वो हमारी माताएं बहनें भली भांति जानती है और आज मुझे जिस एक व्यक्ति का सम्मान करने का अवसर नहीं मिला है लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आज प्रशासनिक मर्यादाओं को तोड़ करके उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। सरकार में काम करने वाले अधिकारियों के लिए अनामिकता होती है, उनका न नाम उनका काम की कोई पहचान नहीं होती है, वो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो बताने का मन करता है। आज भारत सरकार में हमारे एक सचिव श्रीमान परमेश्वर जी अय्यर है क्या, नीचे बैठे होंगे, वे इस काम को देख रहे हैं। वो आईएएस अफसर आईएएस की नौकरी छोड़कर के अमेरिका चले गए थे, जीवन अमेरिका में सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने आह्वान किया, बहुतों का आह्वान किया और मुझे खुशी है कि अमेरिका की उस शानदार जिंदगी को छोड़कर के वो भारत वापस लौट आए। वो आईएएस अधिकारी रहे थे सालों तक, नौकरी छोड़ के चले गए थे, अभी टीवी पर आपने देखा उनको दिखा रहे थे, फिर से जरा टीवी वाले उनको दिखाएं। अभी टीवी वालों ने उनके पर कैमरा रखा था, फिर से एक बार रखे। हां ये है, फिर से वापस आए, मैंने फिर से उनको लिया सरकार में और ये काम दिया। खुद जगह जगह पर जाकर के शौचालय की सफाई करते हैं, और आज परमेश्वर जी जैसे मेरे साथी हो, देश के कोने कोने से आए हजारों स्वच्छाग्रही हो, तो मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि बापू के 150वीं जयंती मनाएंगे तब तक बापू के सपनों को पूरा करके रहेंगे। पुराने जमाने में कहते थे कि भगवान को हजार होते हैं, ऐसा सुनते थे हम लोग, हजार हाथ वाला होता है भगवान, ऐसा अभी भी पढ़ते सुनते हैं। अब प्रधानमंत्री तो हजार हाथ वाला हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि जो हजारों स्वच्छाग्रही मेरे सामने बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी हजारों बाहु वाला बन गया है। आपका कमिटमेंट, आपका पुरुषार्थ, आपका समर्पण, अपना गांव छोड़कर के बिहार की गलियों में आकर के स्वच्छता के लिए काम करने वाले
और अपने इलाके में भी स्वच्छता के लिए समर्पित ये स्वच्छाग्रही पूज्य बापू का सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का जो आंदोलन है उसको एक नई गति, नई ऊर्जा, नई चेतना दे रहे हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता का मिशन हो, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर आम जन से जुड़ी सुविधाओं का विकास हो, केंद्र सरकार नीतीश जी और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बिहार के विकास के लिए, राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां और रणनीतियां एक दूसरे की पूरक है। यहां इस मंच से मुझे बिहार के विकास से जुड़ी 6,600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास या तो लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त मिला हुआ है। पानी हो, रेल हो, सड़क हो, पेट्रोलियम हो, ऐसी अनेक परियोजनाएं बिहार और विशेष रूप से चंपारण के लिए अहम साबित होने वाली है। एक तरह से देखें तो ये परियोजनाएं कहीं ना कहीं स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा से भी जुड़ी हुई है। भाइयों और बहनों, आज जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें मोतिहारी झील के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट भी शामिल है। हमारा मोतिहारी शहर जिस झील के नाम पर जाना जाता है, जो चंपारण के इतिहास का हिस्सा है, उसके पुनर्निर्माण का कार्य आज से शुरू हो रहा है। गांधी जी जब सत्याग्रह के लिए यहां चंपारण में थे तब उन्होंने इस झील के बारे में कहा था कि शाम को मोती झील को देखना आनंद देता है। ये शहर इस झील के चलते ही सुंदर है। लेकिन जो मोती झील गांधी जी ने देखी थी उसकी सुंदरता का समय के साथ जरा फीकी पड़ती जा रही है। मुझे इस बात की खबर है कि यहां के सुधी नागरिकों ने इस झील को बचाने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जागरूकता का अभियान चलाया गया है। आप जैसे लोगों की कोशिशों के साथ जुड़ते हुए ना सिर्फ इस झील का जीर्णोद्धार किया जाएगा बल्कि पर्यटकों के लिए लेक फ्रंट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। भाइयों बहनों, स्वच्छता का संबंध पानी से भी है। बेतिया को पानी के साफ पानी के लिए जूझना ना पड़े इसके लिए अमृत योजना के तहत तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से वॉटर सप्लाई योजना का शिलान्यास किया है। इसका सीधा लाभ 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलने वाला है। स्वच्छता से जुड़ा हमारा एक आग्रह जीवनदायिनी मां गंगा को निर्मल बनाने, सरकार गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा को साफ और स्वच्छ करने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। बिहार इस मिशन का अहम हिस्सा है। घर या फैक्ट्री के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए बिहार में अब 3,000 करोड़ से ज्यादा के 11 प्रोजेक्ट की मंजूरी दी जा चुकी है। इस राशि से 1100 किलोमीटर से लंबी सीवेज लाइन बिछाने की योजना है।
इसमें से 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास आज हुआ है। पिछले साल जब मैं मोकामा आया था तब जिन 4 प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया था उन पर भी काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही बाकी परियोजनाओं पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। गंगा तट के किनारे बने गांवों को प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जिन 5 राज्यों में गंगा जी होकर गुजरती है वहां गंगा किनारे के कई गांव इस मिशन में सफल हो चुके हैं। गंगा किनारे बसे गांवों में कचरे के प्रबंधक की योजनाएं लागू की जा रही हैं ताकि गांव का कचरा भी नदी में ना बहाया जाए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही गंगा तट पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पिछले दिनों बनारस में कचरा महोत्सव मनाया गया। मैं गंगा तट के शहरों के नागरिकों से कहूंगा कि आप भी कचरा महोत्सव मनाइए। और कचरे से कंचन कैसे बन सकता है, वेस्ट में से वेल्थ कैसे बन सकती है, इस पर लोगों को शिक्षित कीजिए और आप देखते रह जाएंगे कि कितना बड़ा काम कचरे से भी होता है। भाइयों बहनों, स्वच्छ ईंधन भी स्वच्छता के आग्रह का ही एक हिस्सा है। सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर गरीब माता बहन को जहरीले धुएं से मुक्ति की मुहिम में जुटी है। अब तक देश में 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया जा चुका है। बिहार के भी लगभग 50 लाख महिलाओं को, 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिला है। लेकिन साथियों, स्वच्छ ईंधन पर जोर और उज्ज्वला योजना की सफलता की वजह से सिलेंडर की मांग भी बढ़ रही है। चंपारण और आसपास के लोगों को गैस के सिलेंडर की दिक्कत ना हो इसके लिए मोतिहारी और सुगौली में एलपीजी प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास किया गया है। इनके तैयार होने के बाद एक दिन में लगभग 90,000 सिलेंडर भरे जा सकेंगे। इसके अलावा मोतिहारी में पेट्रोलियम ऑयल ल्यूब टर्मिनल का भी आज शिलान्यास हुआ है। इसके तैयार होने से ना सिर्फ चंपारण और बिहार के आसपास के जिलों की पेट्रोल और डीजल की जरूरतें पूरी होगी बल्कि नेपाल तक की सप्लाई सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, आज की ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के उस विजन का विस्तार है जिसमें पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों तक में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जिस तरह हमारी सरकार काम कर रही है वैसा पहले कभी नहीं किया गया। नीतीश जी भी इसके गवाह है कि कैसे बिहार समेत पूर्वी भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जा रही हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। विशेषकर हमारी सरकार इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने पर भी बहुत जोर दे रही है। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए इन इलाकों में हाईवे, रेलवे, वाटरवे, हाईवे, इन सभी का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज लगभग 900 करोड़ रुपयों के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। औरंगाबाद से चौरदहा का जो सेक्शन अभी 4 लेन का है उसे 6 लेन बनाने का काम आज से शुरू हो रहा है। ये प्रोजेक्ट बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। इसी तरह
चंपारण के लिए दो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। मुजफ्फर सुगौली और सुगौली वाल्मीकि नगर सेक्शन की डबलिंग की जाएगी। इससे न सिर्फ चंपारण के लोगों को लाभ होगा बल्कि यूपी से लेकर नेपाल तक के लोगों का सफर और व्यापार और अधिक आसान हो जाएगा। साथियों, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष के अवसर पर मुझे एक नई ट्रेन का शुभारंभ करने का भी आज अवसर मिला है। ये ट्रेन कटिहार से पुरानी दिल्ली तक चला करेगी। सरकार ने इसका नाम विशेष रूप से चंपारण हम सफर एक्सप्रेस रखा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिल्ली आने जाने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। भाइयों और बहनों, आज मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के फेज वन का भी लोकार्पण किया गया है। ये फैक्ट्री दो कारणों से अहम है। एक तो ये मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण है, दूसरा ये इस क्षेत्र में रोजगार को भी बड़ा माध्यम बन रहा है। भारतीय रेल फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस फैक्ट्री में शक्तिशाली इंजन तैयार होंगे। इस आधुनिक फैक्ट्री में बने 12,000 हॉर्स पावर वाले पहले इंजन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य अभी अभी मुझे मिला है। साथियों, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां माल ढुलाई के लिए इतने पावरफुल इंजन इस्तेमाल करते हैं। इन इंजनों से भारत की मालगाड़ियों की औसत रफ्तार दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और वजह से, जिसकी वजह से मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, इस प्रोजेक्ट को 2007 में मंजूरी दी गई थी। मंजूरी के बाद 8 साल तक इसकी फाइलों को पावर नहीं आ पाई, फाइलें सड़ती रही। 3 साल पहले एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया और अब पहला फेज पूरा भी कर दिया गया है। आयुष्मान भारत हमारे देश के गरीबों को स्वच्छता के बाद महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य का। गरीब से गरीब परिवार को, परिवार में कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तक 1 साल में बीमारी का खर्च सरकार और इंश्योरेंस की व्यवस्था से उस परिवार को मिलेगा। अब परिवार को पैसों के अभाव से उपचार में अब रुकावट नहीं होगी। ये आयुष्मान भारत एक नई योजना भारत सरकार लागू करने जा रही है। मैं सरकार के काम करने का तरीका है, अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। लेकिन इससे दिक्कत उन लोगों को होने लगी है जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो गरीब को सशक्त होते देख नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब अगर मजबूत हो गया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उसे बहका नहीं पाएंगे। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक सरकार के काम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। साथियों, वैसे आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है, वही कुछ विरोधी जन जन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं नीतीश जी के धैर्य और उनके कुशल प्रशासन की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। वो जिस तरह से बिहार की भ्रष्ट और असामाजिक ताकतों से लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके स्वच्छता अभियान को, सामाजिक बदलाव के लिए की जा रही उनकी कोशिशों को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है। सबका साथ सबका विकास
के मंत्र पर चल रही एनडीए सरकार संकल्पबद्ध होकर समयबद्ध होकर के कार्य कर रही है। पहले की सरकारों ने भले ही समय की पाबंदी का महत्व नहीं समझा, लेकिन गांधी जी हमेशा सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह के साथ ही समय पर काम निपटने पर बल देते थे। गांधी जी के पास हमेशा एक पॉकेट वॉच रहती थी। वो कहते भी थे, जब आप चावल का एक दाना या कागज का एक टुकड़ा तक बर्बाद नहीं कर सकते तो समय का एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये समय हमारा नहीं है, ये समय राष्ट्र का है और राष्ट्र के काम आना चाहिए। गांधी जी की इस भावना को जीते हुए 125 करोड़ देशवासी मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। ये उनका स्वच्छाग्रह है कि 2014 में स्वच्छता का जो दायरा 40% से कम था वो अब बढ़कर के 80% से भी ज्यादा हो चुका है। यानी स्वतंत्रता के बाद 67 वर्षों में जितनी स्वच्छता थी उससे 2 गुने से ज्यादा इस सरकार के दौरान हासिल कर दी गई है। साथियों, पिछले 3.5 वर्षों में देश में 350 से ज्यादा जिले और 3.5 लाख से ज्यादा गांव खुद को खुले में शौचालय से मुक्त घोषित कर चुके हैं। पिछले 3.5 साल में देश में लगभग 7 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। ये लोगों की इच्छा शक्ति है कि 4 अप्रैल यानी पिछले 1 हफ्ते में, जिस दौरान सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का सप्ताह मनाया गया, बिहार, यूपी, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में लगभग 26 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। ये वो 4 राज्य हैं जिन्होंने अब ठान लिया है कि वो भी स्वच्छता का दायरा और तेजी से बढ़ाएंगे। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों करोड़ महिलाओं की जिंदगी जिस तरह बदली है उससे आप भली भांति परिचित है। एक शौचालय के निर्माण से महिला को सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों मिल रहा है। मुझे बताया गया कि अब तो बिहार में भी शौचालयों को इज्जत घर कह करके लोग पुकारने लगे हैं। शौचालयों के निर्माण ने एक बड़ा सामाजिक असंतुलन भी खत्म किया है। ये आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का भी कारक बन रहा है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी में सामने आया कि जिन घरों में शौचालय होता है वहां उस परिवार के साल भर में एवरेज औसतन 50,000 रुपए बचते हैं। वरना यही पैसे बीमारियों के इलाज, अस्पताल आने जाने, दफ्तर से छुट्टी लेने में खर्च हो जाते हैं। एक और इंटरनेशनल एजेंसी के अध्ययन में पता चला है कि जो गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हो रहे हैं वहां के बच्चों को डायरिया कम होता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं, स्कूलों से छुट्टियां कम ले रहे हैं। इसलिए जो गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करते हैं उनमें स्कूल रिजल्ट में भी सुधार नजर आ रहा है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान जिस तरह जन आंदोलन बनकर देश के कोने कोने में पहुंचा है वो दुनिया की बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के लिए एक केस स्टडी है। मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अब तक मानव स्वभाव को बदलने वाला ऐसा जन आंदोलन किसी और देश में
अब तक नहीं हुआ है। निश्चित रूप से भारत बदल रहा है, व्यवहार आदतों में बदलाव हो रहा है, लेकिन यहां गांधी मैदान में मौजूद प्रत्येक स्वच्छाग्रही को देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्गों अब असली चुनौती का सामना कर रहा है। ये चुनौती है सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, घर के सामने, दुकान के सामने, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, बाजार में, गली नुक्कड़ मोहल्ले में स्वच्छता के प्रति आग्रह को बनाए रखना है। जब तब देश का हर व्यक्ति अपने स्तर से स्वच्छता के लिए प्रयास नहीं करेगा, तब तक स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक स्वच्छता देश के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक स्वच्छ भारत मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा स्वच्छाग्रह जितना मजबूत होगा, उतना ही 2019 में हम स्वच्छ भारत के मिशन को पूरा कर पाएंगे। अगले साल 2 अक्टूबर को उतनी ही भावभीनी श्रद्धांजलि हम पूज्य बापू को दे पाएंगे। साथियों, गांधी जी ने यहां चंपारण में किसान, श्रमिक, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सभी को एक ही पंक्ति में लाकर खड़ा किया था, तब जाकर के सत्याग्रह सफल हुआ था। स्वच्छाग्रही के नाते हमारा रोल भी वैसा ही होना चाहिए। स्वच्छता का यह संदेश समाज के हर व्यक्ति, हर तबके तक पहुंचे, ऐसी हमारी लगातार कोशिशें रहनी चाहिए। और इसलिए यहां उपस्थित हर स्वच्छाग्रही से मेरा आग्रह है कि आप लोगों को जो कुंजी का दी गई है, उसमें लिखी बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।